वर्ष 2014 आईएएस मेंस जीएस फोर्थ एथिक्स मोरल्स और एप्टीट्यूड का क्वेश्चन पेपर है, और वर्ष 2014 का ये क्वेश्चन है, नंबर है 12। 12 नंबर क्वेश्चन है, और इसको मैं बताता हूँ कि कैसे आपको आंसर लिखना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ ब्रीफ में। ये कह रहा है कि एक ऐसी कंपनी के आप सीईओ हैं जो एक सरकारी विभाग द्वारा, आप ये प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी जो है कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाती है और आप इसके सीईओ हैं, और ये जो प्रोडक्ट आप बनाते हैं ये गवर्नमेंट एजेंसी है जो इसे यूज करती है, और ये गवर्नमेंट एजेंसी में जो ऑफिसर्स बैठा हुआ है वो आपके टेंडर को पास करने के लिए आपसे रिश्वत की मांग कर रहा है। रिश्वत में लिखा है मोटी रिश्वत, मतलब अमाउंट हैवी है। दूसरा इसमें कह रहा है कि आपका जो बिड है, आपका जो टेंडर जो आपने डाला है वो हर तरीके से ठीक है, वैल्यू वाइज भी ठीक है, क्वालिटी वाइज भी ठीक है, डिमांड सप्लाई के हिसाब से भी ठीक है, इन्वेंट्री ठीक है, मैंने हर चीज़ उसकी ठीक है। इस सब ठीक होने के बावजूद गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है आपसे पैसा मांग रहा है, रिश्वत मांग रहा है, अब आप क्या करेंगे? ये कह रहा है कि आप जो है ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? However, as a value conscious person, you do not want to give bribe. आप एथिकल हैं, आप चाहते हैं कि हम बिना पैसे दिए जो है अपना काम कराएं, क्योंकि आप हर तरीके से, आपका प्रोडक्ट ठीक है, कंपनी ठीक है, क्वालिटी ठीक है, वैल्यू उसका प्राइसिंग ठीक है, और वो बिना पैसे लिए आपसे कह रहा है कि हम करेंगे नहीं, तो ऐसी स्थिति में क्या करिएगा? आप जो है एक एथिकल आदमी भी हैं, तो इसमें दो बातें, तीन बातें कह रहा है। कह रहा है कि आप जो है रिश्वत देने और ऑर्डर प्राप्त कर लेने पहली, तथा रिश्वत देने से इनकार करने और ऑर्डर को हाथ से निकल जाने, दोनों के लिए वैध तर्क दिए जा सकते हैं। मैंने एक तरीका तो ये है कि आप जो है रिश्वत दे दीजिए और ऑर्डर ले लीजिए, प्लस प्लस। दूसरा है कि रिश्वत मत दीजिए, ऑर्डर भी जो है नहीं मिलेगा फिर। तो कह रहा है कि दोनों के लिए अलग अलग वैध तर्क दिए जा सकते हैं। बात तो सही है, ये तर्क क्या हो सकते हैं, क्या क्या तर्क दिए जा सकते हैं कि भाई रिश्वत दे दो और ऑर्डर ले लो, पहला क्वेश्चन। दूसरा है कि रिश्वत मत दो, ऑर्डर भी मत लो, दूसरा। और तीसरा कह रहा है कि इस धर्म संकट से बाहर निकलने का कोई बेहतर रास्ता हो सकता है, यदि हाँ तो इस तीसरे रास्ते की अच्छाई, मैंने पहले तेरा तीसरा रास्ता बताना है, फिर बताने के बाद इस मेथड का उसकी कुछ मेरिट्स बतानी है। तो इसमें तीन क्या चार क्वेश्चन हो गए, उसकी रूपरेखा प्रस्तुत करिए। तो देखिए, रिश्वत दे के ऑर्डर प्राप्त करने में क्या क्या वैध तर्क आप देंगे वो मैं बता रहा हूँ। पहला होगा कि आप रिश्वत दे दीजिए, जितना अमाउंट आता है उसकी प्राइसिंग में, कॉस्टिंग में जोड़ दीजिए। एक वैध तर्क यह है कि भाई ठीक है, आपने रिश्वत दिया तो उससे कॉस्ट अप्रिसिएशन हो गया, तो कॉस्ट अप्रिसिएशन हुआ तो आप उसकी कॉस्ट में जो है उतना पैसा जो है ऐड करके अपनी अपनी प्राइसिंग बढ़ा दीजिए। एक तरीका यह है, प्राइसिंग हायर होगी, होने दीजिए। दूसरा, सर्वाइवल ऑफ कंपनी जो है बनी रहेगी, बनी रहे इसके लिए जो है आपको ऑर्डर लेना जरूरी है, अदरवाइज कंपनी का कारोबार रुक जाएगा, प्रोडक्शन रुक जाएगा। जब प्रोडक्शन रुक जाएगा तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, कंपनी घाटे में जाएगी, फिर दुनिया भर की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, इकोनॉमिकल सोशियो हर तरीके की। तो बेहतर है कि जो है कंपनी को घाटे से बचाने के लिए, उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए आप जो है ऑर्डर ले लें और ब्राइब दे दें। तीसरा इसमें हो सकता है कि कैपिटल जो है आपका वो सिंक नहीं होगा, जो पूंजी आपकी रनिंग में है, जो आपका बिजनेस डायनेमिक्स है वो नहीं रुकेगा, अदरवाइज वो रुकेगा तो उससे तमाम आपकी समस्याएं शुरू हो जाएगी। अल्टरनेटिव ऑर्डर के लिए जो है आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसको मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक ऑर्डर जो मिलने वाला है, मिल रहा है, वो बहुत महत्वपूर्ण आपकी कंपनी के लिए, क्योंकि ये कह रहा है कि ऑर्डर न मिलने का अर्थ होगा उत्पादन रेखा का बंद कर देना। अब आप सोचिए, उत्पादन बंद होना कितना बड़ा लॉस है, कितने डायरेक्ट इनडायरेक्ट लॉसेस हैं उसके, रोजगार से लेके, लोगों की नौकरियों से लेके, इनडायरेक्ट वहाँ जितने लोग उस पे जी रहे हैं उस फैक्ट्री की वजह से जो है, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, वो सब बंद हो जाना, तो ये बहुत रिस्की वाला काम है।
तीसरा इसमें जो एंगल आएगा वो ये होगा कि इमोशनल जो लॉसेस होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि इससे क्या है कि जो मालिक है, जो फैक्ट्री का ओनर है या फैक्ट्री के जो हेड है, सीईओ है, उनके लिए इतना आसान नहीं होगा इस प्रॉब्लम को डाइजेस्ट करना, सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमें जो है कॉस्ट एडजस्ट करना है, तो उस कॉस्ट जो ब्राइब के रूप में है उस कॉस्ट को आप अपने प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप प्राइसिंग नहीं बढ़ाना चाहते, कॉस्ट बढ़ा के प्राइस नहीं बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट मार्जिन समझिए कि रिड्यूस हो गया। सपोज आपको 10% का प्रॉफिट मिल रहा था तो 5% का होगा, एक तरीके से आप समझिए कि रिश्वत के अमाउंट जो है आपके प्रॉफिट में से एडजस्ट हो जाएगा। तो ये भी है, तो ये सब आपके वैध तरीके हैं जिससे सस्टेनेबिलिटी जो है फैक्ट्री की बनी रहेगी, एम्प्लॉयमेंट बना रहेगा, लॉसेस फिनेंशियल नहीं होंगे, इमोशनल लॉसेस नहीं होंगे, कंपनी की जो है प्रोडक्टिविटी और मशीनों का जो फंक्शनैलिटी ये सब बना रहेगा, कैपिटल जो आपने इन्वेस्ट किया है वो सर्वाइवल में रहेगा, उसके अलावा तमाम इनडायरेक्ट जो रोजगार हैं वो भी जो है हैम्पर नहीं होंगे। तो ये सब वैधतर्क आप दीजिए। दूसरा इसमें कह रहा है कि रिफ्यूजिंग टू पे द ब्राइब एंड रिस्किंग द लॉस ऑफ ऑर्डर, आप मत दीजिए रिश्वत और ऑर्डर को भी हाथ से निकल जाने दीजिए। तो इसके लिए आप वैध तर्क क्या दे सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात इसमें ये हो सकती है कि इसके लिए तर्क आप सिर्फ एथिकल देंगे। ध्यान दीजिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है टोटल अनएथिकल नहीं तो बहुत हद तक अनएथिकल प्रैक्टिस पे जुड़ी होती है, उसी से शुरू होती है, उसी फाउंडेशन से चलती है वो। तो आप ये कह सकते हैं कि साहब हम ना रिश्वत देंगे और ऑर्डर को जाने देंगे, छोड़िए, तो कंपनी शट डाउन हो जाएगी, परिणाम ये होगा। लेकिन यहाँ परिणाम की बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि उसके पीछे क्या आप जो है तर्क देंगे कि भाई हम नहीं देंगे, तो ऑर्डर भी चला जाएगा और रिश्वत भी नहीं देंगे, ठीक है। तो इसके लिए बेहतर क्या है कि मैं अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं करूँगा। बड़ी अच्छी बात है कि आप अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका सर्वाइवल मुश्किल होगा, ये बात तो सही है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इको लॉस, इकोनॉमिकल लॉस होगा, मास पीपल इफेक्ट होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये सारी चीज़ें जो है गड़बड़ होने लगेगी। लेकिन इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही तर्क हो सकता है कि हम बहुत ही हाई मोरल वैल्यूज़ के आदमी हैं, वैल्यू कॉन्शियस आदमी हैं, और हम एथिकल प्रैक्टिस करके ही काम करेंगे, अनएथिकल प्रैक्टिस को प्रमोट नहीं करेंगे। ये सब ग्राउंड दिए जा सकते हैं कि भाई मैं तो बहुत ईमानदार हूँ, बहुत सत्यमेव जयते की बात करता हूँ, ये सब बातें आपकी सही है, इस बेसिस पे आप जो है रिफ्यूज कर सकते हैं। लेकिन ये रिफ्यूज करने के पीछे जो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा वो मैंने थोड़ा सा ब्रीफ किया, वो चीज़ें नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये पूछ रहा है कि क्या वैध तर्क दिया जा सकते हैं। वैध तर्क में सिर्फ इतनी सी बात है, एथिकल ग्राउंड कि भाई हम बहुत एथिकल बने रहेंगे, तो इसी को एलाबोरेट करिएगा। तीसरा कह रहा है कि इसमें तीसरा विकल्प क्या हो सकता है इस धर्म संकट से बाहर निकलने के लिए, अगर है तो आप बताइए और उसकी मेरिट्स को बताइए। तो आप बताइए, तीसरा विकल्प ये हो सकता है कि आप उस ऑफिसर्स को जो पैसा आपसे मांग रहा है उसको ट्रैप कराने के लिए तमाम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, उससे संपर्क करिए और उसको ट्रैप करा दीजिए। अब ट्रैप करा देने के बाद आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये मैं नहीं जानता जानता हूँ, और ना ही ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब आप उसमें मत फंस जाइए कि साहब उससे तो फिर ट्रैप हो जाएगा, तो फिर तो कंपनी को ऑर्डर भी नहीं मिलेगा, ये पता नहीं है और ये पूछ भी नहीं रहा आपसे, सिर्फ तीसरा विकल्प पूछ रहा है। हो सकता है आप ट्रैप करा दें, ट्रैप कराने के बाद जो दूसरा ऑप्शन होगा वो दूसरे टाइप का होगा, तो वही सब चीज़ें हैंकी पैंकी ना करना चाहता हो। तो ट्रैप कराइए उस आदमी को जो रिश्वत मांग रहा है। दूसरा, इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज करके उसको जो है अपने फेवर में ले आइए, उसकी डिमांड को कहीं दूसरे तरीके से मेड गुड करिए। तीसरा तरीका है कि अमाउंट जो है ब्राइब का उस पर नेगोशिएट करिए उसके घर जाके, जो भी, ये भी एक तरीका है। चौथा है कि उसको मोटी रिश्वत के जगह पे कुछ और ऑप्शन जो अप्लाइज करिए, जो बजाय कैश में देने का उसके काइंड में उसे बात करके कुछ ये एडजस्ट करिए कि कैसे हो सकता है, उसके बदले में किसी को नौकरी दिलाने से लेके किसी और तरीके के काइंड में ऑब्लिगेशंस हो सकती है, वो बहुत सारे अनएथिकल प्रैक्टिसेस होते हैं। तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच ये है। उसके बाद उसको कुछ लालच दूसरे तरीके से भी दे सकते हैं कि आफ्टर सुपर इन्वेशंस यू विल बी केप्ट ऑन माई पैनल एज ए एडवाइजर, एज ए कंसल्टेंट, एज ए रिटायर्ड सीईओ।
ये भी एक ऑप्शन है उसको ऑफर देने के लिए, जिससे वो आपका काम कर दे। उसके बाद आप उसको उसके विरुद्ध किसी विसिल ब्लोअर को लगा दीजिए, जो उसके पीछे जो है कुछ ये सब चीज़ें पता करे, उसके बैकग्राउंड को और उसके द्वारा किए गए पिछले कुकृत्यों को, और उसको सजा दिलाइए। ये भी एक एंगल हो सकता है, थर्ड ऑप्शन। उसके बाद जो है उसके इमेडिएट स्ट्रेटजी ये बनाइए कि जो है उसके खिलाफ कुछ ऐसे इंफॉर्मेशंस पता हो जिसके जिसके जिसको ग्राउंड बना के अपने इस एपिसोड को मीडिया में दे दीजिए, जिसे वो डरे और आपका काम जल्दी करे, या उसको उस काम से हटा दिया जाए। उसके बाद अनएथिकल और अन इलीगल प्रैक्टिसेस भी बिजनेस एक्ट में होते हैं, तो उन उपायों को बताने की जरूरत नहीं है, उन उपायों पे भी कंपनियां काम करती हैं और जो ऐसे लोग हैं उनको सबक सिखाती है। उसके बाद उसके कुछ रिकॉर्डिंग्स या कुछ टेक्स्ट मैसेज या कुछ व्हाट्सएप या फेसबुक सोशल मीडिया पे कुछ इस बारे में बात हुई हो, तो उसको आप एज ए टूल यूज करके उसके बॉस को जो है आप बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो ये सब ऑप्शंस आपके पास खुले हैं और ये बेहतर है, और कितने बेहतर ये मैं नहीं जानता, लेकिन इस ऑप्शंस के बाद इसकी मेरिट्स क्या होगी कि एथिकल वर्क शुरू होगा समाज में और आपके द्वारा। दूसरा जो है दोषी आदमी को जो पनिशमेंट मिलेगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। दूसरा जो है गठजोड़ जो होगा कि सोशल ऑर्गेनाइज क्राइम का, वो टूटेगा। और जो साफ सुथरा एम्बियंस है वो उसको प्रमोट होगा, और बाकी लोग भी इसके पकड़वाने से सबक सीखेंगे और समाज में भ्रष्टाचार कम होगा। तो ये सारे फायदे हैं, तो आप ये ऑप्शन सुझा के इसकी मेरिट को बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।